everybody, I'm Sajneet Rahul from BYJU'S Exam Prep और आज आप लोग जानते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी का एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो मैं यहाँ पे सेंटर पे आई हूँ जहाँ पे भवर सर ने एग्जाम दिया टेरिटोरियल आर्मी का। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं एग्जाम के पेपर वन के बारे में कुछ डिटेल्स। हेलो सर, आपका एग्जाम कैसा रहा? एग्जाम वाज गुड। ओके, एंड आपके हिसाब से कैसा था ओवरऑल लेवल ऑफ द एग्जाम? ओवरऑल एग्ज़ाम अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट नहीं था, मॉडरेट था। और मॉडरेट में भी मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा इजी की तरफ थोड़ा ज़्यादा था। इजी था, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। अगर हम देखें बाकी सब एग्ज़ाम्स के साथ कंपेयर करें, मैथ्स और रीजनिंग का आपका पेपर वन होता है और इसमें आपके 50-50 क्वेश्चंस आते हैं। 50 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के पार्ट वन में और 50 क्वेश्चंस आपके जो है दे आर फ्रॉम दी पार्ट टू आपके मैथ्स के होते हैं। तो रीजनिंग और मैथ्स के जो क्वेश्चंस थे और बाकी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपका एसएससी का एग्ज़ाम होता है। हाय, आई एम सजनीत रहल फ्रॉम BYJU'S एग्ज़ाम प्रेप और आज हम यहाँ पे हैं आकाश सर के साथ जिन्होंने अपना टेरिटोरियल आर्मी एग्ज़ाम का पेपर वन अभी ख़त्म किया है। एंड वी आर एट द सेंटर विच इज़ APS धौला कुआं। तो लेट्स आस्क सर कि कैसे क्वेश्चंस आए, कैसा लेवल था। हेलो सर, आपका एग्ज़ाम कैसा रहा? मैम, आई विल से कि पेपर वन जो रीजनिंग का सेक्शन था दैट वॉज मच ईजियर एंड 35 क्वेश्चन बड़े आसानी से हो गए थे। एंड पेपर टू आई फाउंड इट लिटिल ट्रिकी, थोड़ा सा लेंदी फील किया मैंने उसमें। और आई फाउंड इट कि थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आपके फॉर्मूलेज तुरंत याद हो, इस टाइप से अगर आपके पास हो तो यू कैन डू इट वेरी इजीली। इवन दो आई थिंक कि 20 to 25 क्वेश्चन वॉज ईजिली डूएबल। एंड थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का था इशू कि क्योंकि पेपर वन में जो सेक्शन फर्स्ट था दैट वॉज रीजनिंग, वो थोड़ा सा टेम्पटिंग था। इजी क्वेश्चंस के कारण वो टाइम स्पिल ओवर हो गया और वो पता नहीं चला। थोड़ा सा 2-3 पेपर भी लगाए होंगे फुल लेंथ के, तो उसको समझ में आ गया होगा कि यस इट वाज क्वाइट अ जेनरिक पेपर। ऑलराइट, सो ओवरऑल लेवल ऑफ द पेपर वन वुड बी इजी और मॉडरेट? आई विल से मॉडरेट मैम, पेपर वन, बिकॉज सेक्शन वन वाज इजी, सेक्शन टू आई फाउंड इट लिटिल टफ। या, तो अभी क्या लगता है आपको कि अगला टेरिटोरियल आर्मी का जो एग्जाम है उसके लिए कब पढ़ाई शुरू कर देनी? मुझे लगता है कि मैम दोज हु आर आउट ऑफ टच फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शंस, मतलब हो सकता है कोई करंट अफेयर पढ़ रहा हो सकता है कुछ बच्चे जीएस पढ़ रहे होते हैं, पर अगर कोई मैथ्स अभी छोड़ के रखा है या इंग्लिश अभी छोड़ के रखा है, यू शुड कम बैक, स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ, स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट राइट नाउ। रीजन बीइंग कि अगला अगर 2022 में अगर होता है तो इट विल बी ऑन अप्रैल या मई में। तो एनीवेज 5 मंथ से ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। मोस्टली इम्पोर्टेंट थिंग विद टीए इज कि ऑल शुड बी वर्किंग। अब वर्किंग स्टूडेंट जो भी है वो टाइम नहीं निकाल पाता है। सो अगर आप सिर्फ वीकेंड के लिए भी अपने आप को इंगेज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टीए, तो आपके पास टेक्निकली बहुत ज्यादा वीक्स है नहीं। हेलो एवरीबॉडी, फाइनली टेरिटोरियल आर्मी का एग्जाम खत्म हो गया है और पेपर टू के बाद अब हमारे साथ हैं भवसर और आकाश सर यहाँ पे। एंड राइट नाउ आल्सो वी आर स्टैंडिंग राइट आउटसाइड द एग्जाम सेंटर विच वाज आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं। तो आइए चलिए इनसे जानते हैं कि पेपर टू कैसा था, किस तरह के सवाल आए, गुड अटेम्प्ट्स क्या थे एंड ओवरऑल लेवल क्या था। हेलो सर। हेलो सर, तो आपको क्या लगता है सर, आप बताइए पहले कि पेपर टू में किस तरह के क्वेश्चंस आए जीएस के सेक्शन में, इंग्लिश के सेक्शन में, एंड आपको क्या लगता है कि कैसा क्या लेवल क्या था एग्जाम का? तो फील की सर मैम बहुत ही मिक्स सा पेपर था एंड इट वाज हैविंग अ वेरी गुड सेट्स ऑफ क्वेश्चंस। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस के क्वेश्चन थे सुपरनोवा पे, दे वास्ट क्वेश्चन। तो मेरे को ऐसा लगता है कि पेपर वाज इजी एंड आई थिंक 30 to 35 इज इजीली डूएबल। एंड जो मिक्स ऑफ क्वेश्चन भी थे मैम, वो ऐसा नहीं था कि कोई बहुत आउट ऑफ नोवेयर टफ से क्वेश्चन आए। सही सही। अल्टीमेटली जीएस जो सेक्शन था, जीके का जो सेक्शन था, वो मतलब एज पर मी इट वाज इजी। लेकिन ये आप ये इसलिए भी कह सकते हो बिकॉज आई एम अ फैकल्टी ऑफ जीके, तो ऑफ कोर्स आई नो मच अबाउट जीके। तो मुझे कंपैरेटिवली काफ़ी इजी लगा जीके। और मतलब अगर मैं बात करूँ आपका जीके में, तो अगर आपने जीके की एक अच्छी नॉलेज है तो बिल्कुल आकाश सर ने बिल्कुल सही बात कही है कि मतलब 35 के अराउंड जो है वो आपका सेफ स्कोर है। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश थोड़ा सा आपका जो है मैं ये कहूँगा कि जो लेवल था दैट वाज गुड। ठीक है, इंग्लिश जो है वो आप इजी नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल पर मैं कहूँगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे वो आपका रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस के ऊपर भी थे, एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी आपके पूछे गए, साथ ही साथ आपका एक पैसेज भी आपका आया था। तो इंग्लिश में मैं ये कहूँगा कि आपका अराउंड 30 आपका जो है दैट वुड बी अ सेफ स्कोर। और नॉर्मली वही है 65 to 70 अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना जो है तैयारी करके और फिर इसको आपने दिया। तो मतलब आई लाइक टू ऐड इसमें एक पॉइंट और मैं बोलूँगा सर ने जैसे इंग्लिश के लिए बताया मैम, इंग्लिश का पेपर वाज मोर ऑफ कंपेरेबल लाइक व्हाट एनडीए पेपर इज, एनडीए के पेपर के जैसा है लगभग, और मुझे लगता है स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन वाज ठीक है कंपेरेबल टू एनडीए। जीएस बहुत नीचे थी, जनरल स्टडीज के क्वेश्चन वाज मच लोअर देन दैट, एंड आई फील लाइक कि इंग्लिश में भी 30 के बाद 5 के अराउंड किया जा सकता है। ठीक है, तो इस साल आपको क्या लगता है कि कितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम में अपीयर किया होगा? मेरी क्लास में तो केवल 4 ही बच्चे बैठे थे। I doubt it was because you know TA was very strict about RTPCR and last moment पर they sent out the emails to get the RT-PCR test done, even if the second dose of the vaccination has already been there. So of course second dose vaccination लगवाने के बाद भी RT-PCR का एक जो ये mandatory कर दिया था, तो इस वजह से काफ़ी मैं ये कहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम है उसको जो है छोड़ा है, बहुत बच्चों ने इसको जो है आपका नहीं दिया है, बहुत एब्सेंटीज इसमें रहे। मैं ये कहूँगा कि जो आपका जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ थी जो एप्लीकेंट्स हैं उनमें अराउंड लाइक 55% ही बच्चे आपका जो है दे गेव द एग्जाम एंड द रेस्ट ऑफ देम दे डिड नॉट अपीयर फॉर द एग्जाम। तो ऑफ कोर्स आपका जो है कम स्ट्रेंथ थी, तो इसकी वजह से जो मेरिट है उसके ऊपर भी आपका फर्क पड़ेगा। ऑफ कोर्स द नंबर ऑफ द पीपल दैट गिव द एग्जाम वो आपका डिपेंड करता है उसके ऊपर कि आपका मेरिट कितनी जाती है। तो मेरे ख्याल से मेरिट जो है इसकी आपका लो ही रहने वाली है। जी, तो अगर मैं पेपर 1 और पेपर 2 मिला के पूरे एग्जाम की बात करूं तो किस तरह का मतलब आप किस लेवल पे उसको रखेंगे? मैम आई फील कि सेक्शन 1 विच इज रीजनिंग 35 क्वेश्चन वाज डूएबल एंड मुझे ऐसा लगता है कि 35 क्वेश्चन कर ही लिए होंगे सभी बच्चे। और मैम मैथ्स के लिए मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई एम लिटिल वीकर इन दैट, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैथ्स के साथ जो जेनरिक क्वेश्चन थे उसमें टाइम लग गया। अदरवाइज मुझे लगता है कि 25 क्वेश्चन उसको भी किए जा सकते हैं। मैं पेपर 2 के लिए मैं ये बोलूँगा कि दोनों सेक्शन में 35 वाज डूएबल। सो इन ओवरऑल मैं ये पेपर को जज करूँगा कि इट वाज मॉडरेट टू इजी पेपर। ओके, डू यू अग्री विद आकाश? यस ऑफ कोर्स, लेकिन मैं कहूँगा कि मतलब ऐसा था कि एक सेक्शन थोड़ा सा इजी था तो दूसरा सेक्शन जो है वो आपका थोड़ा सा मॉडरेट रखा गया था। जैसे फर्स्ट पेपर की बात करें तो रीजनिंग थोड़ा सा काफ़ी इजी की तरफ था, और मैथ्स की बात करें तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन थे, प्लस आपका जो है थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस थे जिनको कि कवर अप करने में अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पता है तो ऑफकोर्स यू विल टेक टाइम। तो वो थोड़ा सा आपका जो है मतलब एक सेक्शन इजी और दूसरा सेक्शन जो है वो आपका थोड़ा सा मॉडरेट। और ऐसे ही अगर हम देखें आपका पेपर 2 में तो उसमें आपका जीएस या जीके का जो सेक्शन था वो काफ़ी ईजी रखा गया, जबकि आपका मैथ जो इंग्लिश का जो सेक्शन है वो थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ आपका रहा। डिफिकल्ट तो नहीं कहूँगा, डिफिकल्ट तो कोई भी सेक्शन नहीं था, ने तैयारी की है अच्छे से, 1 महीना 1.5 महीना भी अगर उन्होंने अच्छे से इसको दिया है तो ऑफ कोर्स ये एग्जाम बहुत इजी रहा होगा उनके लिए। ठीक, तो चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर व्यू पॉइंट्स ऑन द एग्जाम। तो अभी हमने जाना कि टेरिटोरियल आर्मी का 2021 का जो हमारा एग्जाम था उसका लेवल इजी टू मॉडरेट था। So I would like to wish all the best to all the aspirants who sat for the exam, who took the exam. Result आ जाएगा I think in another 1.5 month because you know आजकल results काफ़ी जल्दी declare किए जा रहे हैं। And अगर आपको लगता है कि आपका टेरिटोरियल आर्मी का एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं गया, there is always a next chance because you have to dream, strive and succeed. Thank you.